Hello guys, welcome to all to Vanik Smart Class, and we are here for a very short session of 10 minutes only. And here I'm trying to make you people clear about a very short and effective tricks of machine input. And the tricks is only for single logic. Friends, you can see this question. Here it is. इसको वो बच्चे समझ पाएंगे जो मशीन इनपुट के बारे में उनको पता है. अगर वो एकदम से नया है तो फिर इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा. ये इनपुट दिया गया है रेफरेंस, और उसके बाद चार क्वेश्चंस हैं. इसको हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा. जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये सारे चीजों को लिखते हैं. ठीक है, इसको लिखते हैं. हम लिख के नहीं सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कुछ सिंबल यूज करके इसका आंसर निकाल लेंगे. तो कॉमन सा चीज ये है, टू फाइंड आउट एनी लॉजिक देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक्स इन द होल वर्ल्ड, होल अर्थ आई कैन से. पूरा यूनिवर्स में शॉर्ट ट्रिक्स को लॉजिक के लिए यूज नहीं किया जा सकता है. इसको सिर्फ और सिर्फ स्टेप ओमिट के लिए यूज किया जा सकता है. तो यहाँ पे जो कंडीशन हमने यहाँ पे रखे हैं वो कंडीशन कुछ इस प्रकार है. सिंगल लॉजिक के लिए ये है, और सिंगल चेंजेस मस्ट बी देयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड ओनली अप टू द लास्ट स्टेप. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारे चेंजेस हुआ है, ये फास्ट जो चेंजेस हैं वो कुछ इस प्रकार है. 23 फास्ट चेंजेस, सेकंड चेंजेस स्टार, थर्ड चेंजेस 31, देन 4, देन 47, देन न्यू. इस प्रकार वो चेंजेस हुआ है. इसका मतलब फास्ट जो कंडीशन दिया गया है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, नॉन ऑफ द स्टेप शुड बी सेम इन एनी मैनर. कोई भी स्टेप यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए. वो यहाँ पे हुआ है, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जो इक्वल है. अ यूनिक लॉजिक शुड बी फॉलोड अप टू द लास्ट. यूनिक लॉजिक मीन्स लॉजिक कैन बी फ्रेंड्स एनीथिंग, देयर इज नो लिमिटेशन इन लॉजिक. यहाँ पे नंबर लिस्ट नंबर को लिया गया, उसके बाद हाइएस्ट अल्फाबेट, देन लिस्ट नंबर, देन हाइएस्ट अल्फाबेट. इसका मतलब अल्टरनेट प्लेस नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड लेटर्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर अप टू द लास्ट. एंड दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइड एज हैज गिवन इन पॉइंट नंबर 3 ऑफ कंडीशन साइड. Here it is, highest number with circle will be treated as final step. इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे क्या लिखा गया है, ये क्या है हम बाद में पढ़ेंगे. प्रोसेस क्या है देख लेते हैं. प्रोसेस कुछ इस प्रकार है, टू सिंबल्स हमको यूज करना है, एक तो क्रॉस है और एक सर्कल हम यूज करेंगे. लिखना पढ़ना यहाँ पे ज्यादातर नहीं होगा, हम मार्क करके आगे निकल जाएंगे. जीरो मीन्स इसको क्या करेंगे, कंप्लीट स्टेप बोला जाएगा. अगर सर्कल वहां पे यूज किया गया है तो फिर उसको कंप्लीट स्टेप बोला जाएगा. अगर वो क्रॉस मार्क किया गया है तो फिर उसको इनकम्प्लीट स्टेप बोला जाएगा. हम सारे चीज यहाँ पे क्लियर करेंगे, इसको सिर्फ फॉर्मेलिटीज हम पढ़ रहे हैं. इफ रिक्वायर्ड एलिमेंट इज नॉट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, लॉजिकली लॉजिक को लॉजिक मिलने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो अगर स्टार्टिंग पार्ट में नहीं है तो फिर वो एक कंप्लीट स्टेप बोला जाएगा. इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट बिफोर द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज अनयूज्ड, अगर हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट जो है उससे पहले कोई एक भी एलिमेंट अगर अनयूज्ड में है, यूज नहीं हुआ है, तब भी हम इसको सर्कल मार्क करके समझ सकते हैं वो एक स्टेप होगा करके. इफ द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इसका ठीक रिवर्स लिखा गया है. सो इसको हम यूज करने के बाद ये जनरली अगर आप भूल भी जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में स्टोर हो गया होगा क्यों सर्कल क्यों यूज हुआ है और जो क्रॉस है उसको क्यों यूज किया जा रहा है. मतलब थियोरिटिकली इसको ऐसे मगअप करने की जरूरत नहीं है, हम ये बोल रहे हैं. तो फाइनली हम लॉजिक तो निकाल चुके हैं, ये लोएस्ट नंबर कम्स फास्ट एंड हाईएस्ट अल्फाबेट कम्स फास्ट, और वो दोज आर इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर अप टू द लास्ट. सो यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 क्वेश्चन, देख लीजिए. इसी लॉजिक को यूज करते हुए हमको आंसर निकालना है. स्टेप 2 हैज गिवन फ्रेंड्स, इफ स्टेप 2 हैज गिवन सो अप टू एलिमेंट नंबर 2 वी कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस. सो हियर इट इज द स्टेप, मतलब यहां से हमको निकालना पड़ेगा क्या चल रहा है. ये स्टेप 2 दिया गया है कोई भी इनपुट का, और हमको निकालना है हाउ मेनी मोर स्टेप्स टू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट. सो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 खत्म हो चुका है, अब जो प्लान होगा वो 3 के लिए होगा. लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट अल्फाबेट, देन आफ्टर लोएस्ट नंबर विल कम. लोएस्ट नंबर अमंग ऑल दिस आइटम्स इज लोएस्ट नंबर इज 32 फ्रेंड्स. 32 विल बी 3 नंबर स्टेप, और इसको हम सर्कल कर देंगे. सर्कल का मतलब यहाँ पे है
अगर ये सारे conditions, ये जो तीन लाइन यहाँ पे लिखा गया है, इसको लास्ट लाइन को भूल जाइए, हम बाद में बताएंगे। ये कंडीशन नंबर वन और ये कंडीशन नंबर दो और तीन, ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं as per the references given, then we can say we can use this short tricks, otherwise not, because short tricks is for some of limited questions in machine input, friends. So this three has satisfied already as per the given statement. That's how we can use this question. We can use this short tricks. So finally, ये circle होने का reason जो है वो यहाँ पे लिखा गया है. If the required element is not at the starting point, now required element is 32 and 32 has not even in the starting point. That's why this is a complete step. And we have covered the step number three, friends. The step number three we have covered. Then after alphabet we need highest alphabet will come first. And here it is, highest alphabet is duck and it should be 4. Step number 4, और अगर कोई manually इसको solve करेगा तो फिर step number 4, 5, 6 ऐसे करके लिख के जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और ये duck होने के बाद हमको फिर से नंबर चाहिए जो कि lowest number होना चाहिए। lowest number जो है वो 64 है, और यहाँ पे हम 5 लिख के आगे निकल जाएंगे। 5 होने का मतलब यहाँ पे लिखा गया, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड के लिए हम चले जाएंगे, ये हो गया वर्ड, उसके बाद नंबर ये 6, और ये सारे जो सर्कल हो रहे हैं उनका रीजन जो है वो बियर है। हम इसको एक अनयूज एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी रिक्वायर्ड एलिमेंट से पीछे अगर है तो फिर उसको हम एक कंप्लीट स्टेप ले सकते हैं। उसके बाद ये हो गया 7 नंबर, 7, लेकिन वो सर्कल नहीं होगा, वो क्रॉस हो जाएगा। इफ द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट में है, और यहाँ पे इफ ऑल द एलिमेंट्स बिफोर, ये दोनों में से कोई एक भी अगर क्वालिफाई होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स बात यह है, ये दो नंबर के बाद जाके पहुंचा है स्टेप नंबर 6, हाईएस्ट नंबर विद सर्कल विल बी द लास्ट स्टेप, हाईएस्ट नंबर विद सर्कल इज 6, इसका जो लास्ट स्टेप है वो 6 है, दो नंबर दे दिया गया है, और कितना चाहिए, और 4 चाहिए, इसका मतलब यहां पे है आंसर 4। इनपुट दिया गया है, हमको निकाला है हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। यहाँ पे लोएस्ट नंबर फास्ट आएगा, लोएस्ट नंबर जो है वो ये है, उसके बाद हाईएस्ट अल्फाबेट, हाईएस्ट अल्फाबेट इज जे के एल एम एन ओ पी, ये हो जाएगा 2, और उसके बाद 3 हो जाएगा लोएस्ट नंबर जो यहाँ पे है। उसके बाद सर्कल क्यों हो रहा है यहाँ पे आपको मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद तीन नंबर के बाद 4 जो आएगा वो होगा हाईएस्ट अल्फाबेट, हाईएस्ट अल्फाबेट जी एफ जी एच आई जे, जे आ जाएगा नंबर 4। देन वी हैव टू गो फॉर नंबर, नंबर इज लोएस्ट नंबर कम्स फास्ट, और ये हो जाएगा 4 के बाद 5, और फिर 6 आ जाएगा जी, और 7 आ जाएगा फिर नंबर, नंबर यहाँ पे है लेकिन ये 7 जो है वो क्रॉस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 जो है डबल क्रॉस, इसका मतलब हाईएस्ट नंबर विद सर्कल विल बी लास्ट स्टेप, एंड हियर इट इज हाईएस्ट नंबर विद सर्कल इज नॉन अदर देन 6, बिकॉज 7 इज इन कंटिन्यूइंग स्टेप, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इनपुट हैज गिवन एंड वी विल गो फॉर स्टेप नंबर 3, हाईएस्ट नंबर इज लोएस्ट नंबर कम्स फास्ट, ये 14 जो है वो फास्ट आ जाएगा, और देन हाईएस्ट अल्फाबेट, हाईएस्ट अल्फाबेट इज एच आई जे के एल एम एन एन, दिस इज 2 क्रॉस फ्रेंड्स, क्रॉस। देन आफ्टर वी हैव टू गो फॉर अ नंबर, नंबर इज दिस वन, एंड यहां पे वो क्लियर हो रहा है सर्कल, क्रॉस के बाद सर्कल, और उसके बाद 37 के बाद एक हमको चाहिए हाईएस्ट अल्फाबेट, हाईएस्ट अल्फाबेट एबीसीडी एफ जी एच, ये आ जाएगा नंबर 3, और ये स्टेप क्लियर हो रहा है। इसका मतलब पहले जो आएगा वो 14 आएगा, हर किसी में है, और उसके बाद दो नंबर में आएंगे नीक जो हर किसी में है, और तीन नंबर में आएंगे, तीन नंबर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे दो नंबर कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद हाइट आ जाएंगे जो यहाँ पे है, और हाइट के बाद वो जो बचे हैं वो लिखा जाएगा, वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं फ्लावर कॉस्ट 42 एंड 57, तो आंसर आ जाएगा ए। इट इज स्टेप नंबर 2 यहां तक, और उसके बाद हमको चाहिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप नंबर 3, यहाँ पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 जो है वो यहां तक खत्म हो चुका है, तीन नंबर के लिए हम लोएस्ट नंबर के लिए जाएंगे, ये हो जाएगा 3 क्रॉस। देन आफ्टर वी हैव टू गो फॉर हाईएस्ट अल्फाबेट, हाईएस्ट अल्फाबेट यहाँ पे है एस टी जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये हो जाएगा 3, और हमारा स्टेप जो है वो कंप्लीट है, क्योंकि स्टेप नंबर 3 पूछा गया है। हमको चाहिए 17, और उसके बाद विक्ट्री, ये सारे हैं यहाँ पे नहीं है,
ये विक्ट्री है और उसके बाद हमको चाहिए 19 सब में है, उसके बाद हमको चाहिए टाउन जो ये तीनों में है, और उसके बाद 37 के बाद 58 स्टोर लाइक, ये आ जाएगा आंसर। कुल मिला के ये सारे जो है वो क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।